हम सुबह का नाश्ता बना रहे हैं। ये सॉसेजेस मैं उबाल रही हूँ। आप क्या अपने लिए बना? अंडा बना रहे हैं जी। हाँ, और थोड़ी सी चाय भी पड़ी हुई है। अंडा कैसे बनाया आपने? इसमें चीज डालेंगे? डाल दिया मैंने। डाल दिया मैंने, डाल दिया चीज इसमें। अच्छा, चीज ऑमलेट बना रहे हैं। और सॉसेजेस का क्या करेंगे? अच्छा, ये वैसे ही फ्राई नहीं करेंगे, ऐसे बॉइल खाएंगे? अच्छा 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 चलो ठीक है, नाश्ता तैयार कर लो, मैं टेबल पे आती हूँ। आज माशाल्लाह से धूप भी अच्छी है। आज थोड़ा सा मैं धूप पे बाहर जाके बैठूंगी, ठंडी हवा चलती है, लेकिन फिर भी चलो धूप बहुत अच्छी लगती है। काफ़ी दिनों बाद मैंने धूप को देखा है। परसों तो स्नो हल्की हल्की सी बर्फबारी हो रही थी। अब हमारा नाश्ता तैयार हो गया है। समी मेरे लिए भी डाल देना प्लेट में बेटा सॉसेजेज। आप तो ऑमलेट खाएंगे, मैं सॉसेजेज वैसे ही खाऊंगी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब हमारा सुबह का नाश्ता, उसके बाद से अभी दोपहर को खाने की तैयारी हो रही है। मैं लौकी और चने की दाल बनाऊंगी, क्योंकि रमज़ान आ रहे हैं ना, उसके बाद से सब्जी खाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। चलो अफान आ जाओ। अफान आप अभी सॉसेजेज खा रहे हैं नाश्ते में? चले नाश्ता शुरू करो, फिर मैं नाश्ता करूँ। हानिया आप क्या नाश्ता करेंगी बेटा? सॉसेजेस? अच्छा, हम पूरी फैमिली को सॉसेजेस बहुत अच्छे लगते हैं। अभी हम लोग नाश्ते से फारिग हो गए हैं, तो थोड़ा सा किचन समेट रहे हैं मिलजुल के सब बच्चे। आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं, मिलजुल के सब काम कर रहे हैं। सारा किचन फैला हुआ है, किचन को सब समेट के, और डिशवाशर में बर्तन भी डालने हैं। मैंने डिशवाशर खोल लिया, इसमें मैं सारे गंदे बर्तन डाल रही हूँ साथ साथ में, और बाकी और काम भी कर रहे हैं। चले बच्चों बर्तन लेके आए सारे, ताकि मैं डिशवाशर में सारे बर्तन डाल दूँ। अभी हमने नाश्ता कर लिया है, तो मैं साफ करती हूँ। बाकी किचन मैंने साफ कर लिया है। पहले इस पे मैं स्प्रेड करके इसको थोड़ी देर रखूंगी, ताकि अगर कोई चीज हल्की फुल्की जली हो तो वो जो है ना, वो आप लोगों ने नाश्ता कर लिया है। अभी सारे बर्तन जाके रख रहे हैं, ताकि मैं डिशवाशर में डाल दूं। और खाने में क्या खाना है आप लोगों ने? पुलाव? मैं तो अपने लिए चने की दाल लौकी बना रही हूँ। नहीं खानी? अच्छा अच्छा, मुझे चिकन अल्फ्रेडो चाहिए। चिकन अल्फ्रेडो? अच्छा, वो तो बहुत लेंदी रसम। हाँ, क्यों नहीं आती? आप बर्तन इकट्ठे करके ले आए, जो आप लोगों ने चाय वाय पी है ना, ताकि मैं डिशवाशर में रख लूँ। आपकी अम्मी बाकी और काम करेंगी ना, मैं ये कर लूँगी ना, जो काम मुझसे हो सकता है ना। और कप्स लेके आओ बेटा। ऊपर मैं कप्स सारे रख रही हूँ, और नीचे के उसमें प्लेट्स रख रही हूँ। जी जी, चलो चलो आप सारे बर्तन लाते जाए, मैं रखती जा रही हूँ। फिर एक ही दफ़ा हम डिशवाशर ऑन कर देंगे। अभी किचन मैंने साफ कर लिया है। अभी जो भी किचन के चीजें हैं, मैं अपनी अपनी जगह पे रख रही हूँ। डिशवाशर में मैंने सारे बर्तन रख लिए हैं, किचन साफ हो गया है। अब ये बड़े बर्तन हैं जो डिशवाशर में नहीं आते, वो हम लोग हाथ से ये इस तरह से धोएंगे। अभी मैं चने की दाल लौकी बना रही हूँ, उसके लिए मैंने पानी गर्म कर रखा है। उसमें मैं ये दाल डाल के पहले दाल को हल्का सा उबालूंगी,
जब दाल गल जाए थोड़ी सी, हाफ कुक हो जाए, तो फिर उसके बाद से मैं लौकी का मसाला बनाना शुरू करूंगी। ये आधा पाव दाल है और आधा किलो लौकी है, क्योंकि दाल फूलने के बाद ना पानी में उसको सोक करो तो थोड़ी सी डबल हो जाती है, लेकिन दाल मैंने आधा पाव ली है। चने की दाल मैंने उबालने के लिए रखी हुई है। अब लौकी के लिए मैं मसाला बना रही हूँ। ये मैंने तेल या घी अपने हस्बे पसंद डाले, कम ज़्यादा। ये मैंने एक मीडियम साइज की प्याज इसमें डाल के, प्याज डाली है मैंने। ये तेल में मैंने हस्बे पसंद तेल, जैसे आपकी मर्जी हो, जितना आप कम ज़्यादा तेल डालती हैं, उस तेल में मैंने एक मीडियम साइज की प्याज डाल के मैं उसको सोते करूँगी। उसको मैं ब्राउन वगैरह बिल्कुल नहीं करूँगी। ये जब सोते हो जाए तो उसमें मसाले वसाले डाल के और फिर मैं इसमें लौकी डाल दूँगी। फिलहाल इसको मैं इतना पकाऊँगी कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। प्याज थोड़ा सोते हो गया है, अब इसका सिर्फ कलर चेंज हुआ है, इसको कोई ब्राउन और सुनहरी वगैरह नहीं करना। ये मैं एक बड़ी इलायची है और एक दालचीनी का टुकड़ा है, ये एक टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, और लाल मिर्चें देगी, और वो है हल्दी है, हाफ टी स्पून हल्दी है, एक टी स्पून लाल मिर्चें। इसको थोड़ा सा मैं भून लूँ ताकि लहसुन का जायका इसमें आ जाए। इसमें मैं ये दो टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी डाल रही हूँ भर के। ये ऐसी टोमेटो प्यूरी बनी हुई है कि इसको टमाटर को काट के इसको स्टीम पे रखते, फिर उसका छिलका उतार के इसको हल्का सा ब्लेंड कर लेते हैं, पीसते नहीं है। मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं अच्छी तरह से भून के, जब मसाला अच्छी तरह से पक जाए फिर मैं इसमें लौकी डालूंगी। इसको मैंने अच्छी तरह से भून के इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। ये मैं लौकी डाल रही हूँ, ये आधा किलो लौकी है और आधा पाव चने की दाल है जिसको मैंने बॉयल कर लिया है, वो लास्ट में मैं डालूंगी। अब इसमें मैं नमक डाल के और इसको पका रही हूँ ताकि ये हाफ कुक हो जाए, तो फिर मैं इसमें चने की दाल डालूंगी। चने की दाल बिल्कुल गली हुई है, ये इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। इसी पानी में ये गल जाएगी। वो लौकी तैयार हो रही है, इसमें मैं ये कुटा हुआ जीरा है हाफ टी स्पून, और ये हाफ टी स्पून गरम मसाला यहाँ से डालूंगी। ये धनिया है, हरी मिर्चें दो, और अदरक कटी हुई है। अब लौकी गल गई है, इसको मैंने भून लिया है, और चने की दाल जो मैंने उबाली है अभी इसको मैं डाल रही हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी है तो मैं अंदाजे से डालूंगी, आधा पाव दाल है, आप लौकी के हिसाब से डालें, ज़्यादा लौकी पसंद करते हैं तो चने की दाल कम डालें। सारी दाल मैंने डाल दी है, तो मैं ये कुटा हुआ जीरा बिल्कुल फ्रेश मैंने कूट लिया है, उसको मिक्स करते हैं, और इसको मैं दम पे रखती हूँ। दाल बिल्कुल गली हुई है, हाफ टी स्पून कुटा हुआ जीरा है, हाफ टी स्पून मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। ऊपर से आप इसके ऊपर मक्खन भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ, थोड़ी सी ये अदरक डाल रही हूँ, और ये दो हरी मिर्चें हैं,
और ये नमक मैंने लौकी में लौकी के हिसाब से डाला था, अब चने की दाल के हिसाब से मैं नमक डाल रही हूँ। बस लंच टाइम होने वाला है, बच्चों की छुट्टियां हैं आजकल, तो बस लंच इसको मैं भी दम पे रख रही हूँ, डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। ये लौकी चने की दाल तैयार हो गई है, मैंने इसको डिश आउट कर लिया, साथ में मैंने चावल बॉयल किए हैं और साथ में सलाद बनाई है। आप भी ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल देसी ट्रीट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।